सारे बैकपैक की वीडियो बनाई है और वो सारे ब्रांड्स के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है, लेकिन इस वीडियो में 5 ऐसे ब्रांड्स को एक्सप्लोर करेंगे जिसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ना ही कभी उनके प्रोडक्ट एक्सप्लोर किए हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, पहला प्रोडक्ट, पहला बैकपैक आ गया भाई हमारे पास में। ब्रांड का नाम है वॉकेंट। सुनने से ही ना चाइनीज सा लग रहा है। फटाफट बैकपैक को देखते हैं और एक नजर में आप अगर इस बैकपैक को देखोगे ना, क्वालिटी ना भाई दिख रही है, निकल निकल कर दिख रही है। पूरा बैग ब्लैक कलर का है फ्रेंड, आपको वॉकेंट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। पूरी जो बॉडी है ना वो पॉलिएस्टर से तो बनी गई है, लेकिन छूने में बड़ा ही ना रबराइज जैसा फील होता है। फर्स्ट अगर कंपार्टमेंट की बात करें तो फ्रेंड आपको ये फ्लैप देखने को मिलेगा और एक ऐसा लास्टिक जैसा डोरी बना हुआ है। एक बहुत बड़ा फीचर है जिसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। साइड साइड में आपको दो पोर्टेबल कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। एक साइड में आपको यूएसबी का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा अगर आपको पावर बैंक से चार्ज वार्ज करना है अपना फोन। तो साइड की तरफ आपको बकल्स देखने को मिल जाते हैं टू कीप योर प्रोडक्ट सिक्योर्ड, और ये दोनों तरफ आपको मिलेगा। फर्स्ट अगर मेन कंपार्टमेंट को खोलोगे ना तो भाई अंदर में बहुत सारी चीजें हो रही है। दो आपको की होल्डर देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट की तरफ आपको एक नेट वाला कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा और दूसरी तरफ जो कंपार्टमेंट है ना वो एक वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट है। यहां से आप इस बैग के पूरे डेप्थ को यूज कर पाओगे। अंदर में आपको यूएसबी का तार देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर दूसरे मेन कंपार्टमेंट की बात करें, यहां पर आपको एक बहुत बड़ा वेल पैडेड लैपटॉप स्लीव देखने को मिलेगा विद द इलास्टिक वाला स्ट्रैप। मस्त बात क्या है पता, बैक की तरफ आपको पूरा वेलवेटी मखमल टाइप का फैब्रिक दिया गया है, यानी लैपटॉप में कहीं से भी स्क्रैचेस आने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर भी आप पूरे डेप्थ को यूज कर पाओगे। मेनली अगर इसके जिप की क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्मूथ है। और अच्छी बात क्या है कि जिप के ऊपर में पूरी आपको रबर की कोटिंग देखने को मिल जाएगी जिसके कारण भाई पानी अंदर नहीं जा पाएगा। ग्रिप में आपको वॉकेंट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बैक की तरफ आपको इसका हैंडल या हॉल लूप देखने को मिलता है। वेल पैडेड आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। बैकपैक के पूरे बैक साइड में आपको पूरा मेश का काम मिलता है। ट्रॉली कंपैटिबल है और इसी ट्रॉली वाले स्ट्रैप के नीचे छुपा हुआ है इसका सीक्रेट कंपार्टमेंट। यहाँ पर अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप रख सकते हो। शोल्डर स्ट्रैप में बगल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। एडजस्टेबल आपको चेस्ट सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ पर ये जो छाती में लगाते हैं ना टक से, उसको आप ऐसा ऊपर नीचे करके ना अपने चेस्ट वाइज एडजस्ट भी कर सकते हो। ओवरऑल एक वेल लोडेड टेक बैकपैक लगता है। अगर आप थोड़ा सा भी टेक फ्रेंडली हो या आपको थोड़ा सा हाईटेक लुकिंग गेमिंग टाइप का बैकपैक चाहिए ना, डेफिनेटली इस बैकपैक के लिए जा सकते हो। साथ ही फ्रेंड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिससे सिक्योरिटी इनहांस हो जाती है, और उसके नीचे छुपा है एक बहुत यूनिक कंपार्टमेंट जो मैंने आज तक किसी भी बैकपैक में नहीं देखा। एक तो आपको ये जो बकल मिल रहा है ना वो मैग्नेटिक बकल है, यानी इसमें कुछ टक टुक करके खोलना नहीं रहता, मैग्नेटिकली क्लक से लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक दिखेगा नॉर्मल सा कंपार्टमेंट जहां पर आप चीजें रख सकते हो, लेकिन इसमें यूनिक क्या है कि दोनों साइड में आपको यहाँ पर जिप्स देखने को मिलेंगे जिसको अगर आप खोल दोगे ये बहुत बड़ा एक्सटेंड होता है, और ब्रांड का ऐसा कहना कि आप यहाँ पर अपने हेलमेट्स को रख सकते हो। ओवरऑल बैकपैक बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अगर आपको ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए कुछ एक लोडेड जैसा हाईटेक बैकपैक चाहिए, डेफिनेटली इस बैकपैक के लिए जा सकते हो। साथ ही अगर इसके प्राइस की बात करें, इसकी प्राइस 2700 रुपए के आसपास की है। अगर आपको ज्यादा लग रही, मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी बैकपैक्स मैं देख रहा हूं ना मार्केट में, सबकी प्राइसिंग ना थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है, ट्रस्ट मी, वर्थ इट प्रोडक्ट है। हालांकि छोटी मोटी कमियों की बात करें तो इसका जो वायर है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं लगा, ब्रेडेड नहीं है। साथ ही दूसरी चीज, ये जो बोल रहे कि ये वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट है, देखो इधर उधर से तो वाटर नहीं जाएगा, लेकिन जिप में कहीं से भी ना इन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया है, इसे एकदम फुल्ली वाटर प्रूफ नहीं बोला जा सकता। लड़कों को स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल ब्रांड है भाई लीवाइज। लीवाइज का बैकपैक, और ये बैकपैक ऐसा है ना कि लिटरली इसको मोड़ करना एक छोटे से बैकपैक में भी भरा जा सकता है। लीवाइज के इस बैकपैक में आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, डार्क ब्लू और ऊपर में दूसरा कलर सी ब्लू का थोड़ा लाइटर शेड समझ लो, काफी खूबसूरत लगता है। फ्रंट में आपको लीवाइज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सीधे अगर कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल एक मेन कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा जिसे प्रोटेक्ट करता है ये दो बटरफ्लाई बकल्स। बड़ा बड़वा इसे कड़ाकुड़ू करके खोल लेते हैं। अंदर का अगर कंपार्टमेंट की बात करें, आपको डिसेंट पैडिंग वाला एक लैपटॉप स्लीव देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये 22 लीटर का बैकपैक है, अच्छा खासा आपको डेप्थ स्पेस देखने को मिलता है। साइड साइड में आपको दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें जिप की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और अंदर की तरफ आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि वो तो भरना आपको है ना। मेनली क्लोजर के लिए यहाँ पर आपको ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, मेटल का आईलेट आपको देखने को मिलता है, डिटेलिंग छोटी छोटी अच्छी लग रही है देखने में, और क्लोजर के लिए यहाँ पर एक लॉक मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। बैक की तरफ आए तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग हैंडल देखने को मिल जाएगा जिसे हॉल लूप बोलते हैं। शोल्डर स्ट्रैप
डिसेंट पैडिंग के साथ आता है, लेकिन अच्छी बात क्या है पता है, थोड़ा सा चौड़ा है और साइड साइड में आपको ऐसे बॉर्डर्स भी देखने को मिल जाएंगे, पहनने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। लिवाइस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, बगल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर कोई भी आपको सीक्रेट कंपार्टमेंट, कोई भी ऐसा टेक हाईटेक चीजें देखने को नहीं मिलेगी, एक सिंपल कैजुअल कूल बैकपैक है। हालांकि एक दो अगर इंप्रूवमेंट्स की बात करें ना, ये बकल वकल लगाने के बाद फ्रंट का जो एरिया खाली बच जाता है ना, यहाँ पर एक पॉकेट या कुछ भी ना ऐड किया जा सकता था। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी एक दो बैकपैक्स है, कुछ ऐसा कूल सा खोज रहे हो ना, तो ये आपके लिए बेटर हो सकता है। साथ ही अगर आपको कुछ सिंपल सा कैरी करना है, या मे बी जिम के लिए कुछ चाहिए, या छोटी मोटी चीजें अगर आपको कैरी करने रहती है डे टू डे लाइफ में, तो आप इसके लिए जा सकते हो। 15 इंच का लैपटॉप तो इसमें आ जाएगा, लेकिन आप फुल्ली सिक्योर नहीं फील करोगे। हल्के फुल्के यूज के लिए बेस्ट है, 1300 रुपए इसकी प्राइस है। और अगर प्राइस को भी जज करें तो ब्रांड वाइज थोड़ा ठीक भी लगता है, क्योंकि उनको प्राइस मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज अगर जज करूं तो 700-800 से ज्यादा इसकी प्राइसिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, अलग यूज के लिए है। नेक्स्ट बैकपैक भाई हमारा आता है एस्ट्रो कार्ड की तरफ से, और ये बैकपैक नहीं बल्कि अपने कंधे में घर लेकर चलने का जुगाड़ है। ये है एक मिड साइज राक्षा। राक्षा किसे बोलते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस में याद है बड़ा वाला बैग, उसे बोलते हैं राक्षा। ऑलरेडी डेडिकेटेड हमने एक वीडियो डाली हुई, आप जाकर देख सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर राक्षा की बात करें, ब्रांड का नाम एस्ट्रो कार्ड तो है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, इसके पीछे इसका बाप खड़ा है। वो बाप कौन है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। मेनली आप उसमें दो कलर देखने को मिलेंगे, बैग तो पूरा ब्लैक कलर का है, लेकिन डिटेलिंग्स आपको येलो कलर की देखने को मिलेगी। फर्स्ट में आपको एस्ट्रो कार्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको इसका लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड शू कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। यानी ये जो नीचे वाला पहला आप कंपार्टमेंट देख रहे हो ना, इसके अंदर आप अपने जूते रख सकते हो। अंदर में आपको पूरी पॉलिएस्टर की लाइनिंग देखने को मिलेगी, पूरा बैग भी पॉलिएस्टर का ही बना हुआ है। फर्स्ट फ्रंट वाले कंपार्टमेंट को देखे तो यहाँ पर आपको पूरा फ्रंट का डेप्थ यूज करने को मिलेगा, जो की सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जाता है। बाकी अगर पहले अगर जिप को खोले, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको छोटे मोटे पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, जो की कभी ही भाई यूज में आते हैं। मेन अगर कंपार्टमेंट की बात करें ना, फर्स्टली जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, थोड़ा सा इसमें थ्रस्ट सा फील होता है, लेकिन स्मूथ चलता है जिप। अंदर में भाई स्पेस ही स्पेस है, लिटरली बहुत बड़ा स्पेस है, अच्छे से आप पूरे सामान को रख सकते हो, जितने चाहे कपड़े जूते सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और उसके पीछे आपको एक और कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जिसे एक डेडिकेटेड लैपटॉप कंपार्टमेंट बनाया गया है। चारों तरफ आपको पैडिंग देखने को मिल जाएगी, और अच्छी बात क्या है कि जिप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना ऊपर से आपको एक फ्लैप सा देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। साइड साइड में एक अच्छी बात इन्होंने क्या की कि नीचे में आपको पॉकेट तो दिया, लेकिन पूरे स्पेस को यूज करने के लिए उन्होंने ऊपर में बोतल कंपार्टमेंट्स भी दिए। ऊपर में आपको एक हैंडल देखने को मिल जाएगा, बैक की तरफ आपको वेट पैडेड स्ट्रैप देखने को मिलता है। बकल की क्वालिटी अच्छी तो है, लेकिन काफी ना छोटी साइज में रखी गई है। जिप को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर साइड में बकल्स दिए गए हैं, बैक में भी आपको पैडिंग देखने को मिलती है, नीचे की तरफ आपको वेस्ट सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि रैक सैक में ही आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो इसकी बेस्ट चीज है पता है क्या, इसकी प्राइस महज 1300 रुपए का बैकपैक है भाई। और पता है ब्रांड क्या है, आप बोलोगे अरिस्टोक्राफ्ट। भाई अरिस्टोक्राफ्ट वीआईपी कंपनी का सब ब्रांड है, इसीलिए ये सारी अच्छी चीजें ना आपको सस्ते में मिल रही है। बाकी ओवरऑल पहनेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। एक दो अगर कमियों की बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा, और पैडिंग थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें ना भाई प्राइस ऐसा करके ढक ले रहा है। अगर आपको कुछ हैवी कैरी करने के लिए बैकपैक चाहिए, इसके लिए हंस के जा सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट नेक्स्ट बैकपैक आ गया भाई हमारा, ब्रांड का नाम है हमल। हमल के से पहले ना हमने स्लीपर्स देखे हैं, और इस बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनके बैग्स। और सच बताऊं, जैसे आप इस बैकपैक को पकड़ोगे आपके दिमाग में एक चीज आएगी, कैनवस का बैकपैक और इतना हैवी ब्राउन कलर का पूरा बैकपैक है, एक लुक में आपको प्यार हो जाएगा। लेकिन इसका फैब्रिक सच में भाई रोबस्ट सा फील होता है, मैं तो कभी जिंदगी में ना खराब कर पाऊं। फ्रंट में आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप जो चाहे रख सकते हो। साइड साइड में आपको दो और छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक अ लिवाइस वाला बैकपैक। सिंथेटिक पैचेस के थ्रू ना एक लेदर जैसी डिजाइनिंग यहाँ पर क्रिएट की गई है, बकल से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हर बार आपको ऐसा बकल खोलो बकल बंद करो भाई बहुत झंझट होगा, इसलिए यहाँ पर आपको मैग्नेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और इनके मैग्नेट ना काफी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा सिक्योर सा फील होता है। क्लोजर के लिए आपको वही ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा ही इन्होंने लंबा दे दिया है, और क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। अंदर की तरफ आपको पैडेड स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, लैपटॉप का 15 इंच का तो आराम से जाएगा। एक जिप कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, छोटे छोटे दो कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, और अंदर के जो फैब्रिक की
लाइनिंग है ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगेन कपड़ा का यूज किया गया है और वो भी मजबूत फील हो रहा है। नीचे की तरफ वही आपको सिंथेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, लेदर जैसा टेक्सचर। पकड़ने के लिए आपको एक हैंडल देखने को मिल जाएगा, अच्छी पैडिंग वाला स्ट्रैप आपको दिया गया ऊपर की तरफ कैनवस, नीचे की तरफ वही मटेरियल। बस अच्छा क्या नहीं पता, इनके बकल्स पहनने में भाई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। यूजुअली ये जो बकल वाला पार्ट होता है ना वो होता है यहाँ पर और स्ट्रैप जाता है यहाँ से, लेकिन इन्होंने ये बकल को ही यहाँ नीचे लग दिया और स्ट्रैप को यहाँ लेकर गए। और मैंने इसे 4, 5, 6 बार बार देखा कि शायद मेरी ही गलती है, मैं ठीक से पहन नहीं रहा हूँ, लेकिन हर बार अच्छे से नहीं सेट हो रहा था मेरे शोल्डर पे। ऊपर में आपको ऐसे एरो से डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मुझे अवतार के कैरेक्टर एयर बेंडर की याद दिलाती है। बैकपैक बहुत ज्यादा अच्छा है, डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ बहुत मेजर कमियां हैं जिसे ब्रांड को सुधारना चाहिए। और प्राइस तो भाई मत ही पूछो, 2200 रुपए का ये बैकपैक है, मैं वर्थ इट नहीं कहूंगा। लास्ट बैकपैक आ गया हमारे पास में। आई नो आप में से बहुत सारे लोग गिव अवेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, हम अपने गिव अवे की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट ये अनाउंसमेंट है, बस इतना कहूंगा रेडी रहना। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंटल ब्रांड है अजीले। अब ये अजीले कलीले पीलीले हरीले वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन अजीले पेंटालून्स का ब्रांड है यार, पेंटालून सभी जानते हैं। ये बैकपैक भी भाई देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, मेजरली इसका जो कलर है ना वो जादू कर रहा है, ग्रे एंड ब्लैक कलर। साथ ही मटेरियल के नाम पर यहाँ पर नायलॉन का यूज किया गया है, काफी स्मूथ लगता है छूने में। एक चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पर भाई, फीते ही फीते लॉक्स ही लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, काफी एंगेजिंग सा लगता है बैकपैक। फ्रंट के बकल को खोलकर अगर पहले कंपार्टमेंट की तलाशी ले, यहाँ पर जिप की क्वालिटी अगेन अच्छी है और छोटू सा कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, छोटी मोटी चीजें रख सकते हो। ऊपर वाला फ्लैप जो हमने ऐसे करके फेंका था, उस फ्लैप में भी आपको एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अगेन जितना दिख रहा है उतना डेप्थ आप यूज कर पाओगे। ऊपर में आपको अजीले की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ये भी एक सिंगल कंपार्टमेंट वाला बैकपैक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ऊपर के फैब्रिक से ना थोड़ा सा कवर्ड है इसका जिप। जिप को खोलकर अगर अंदर के डेप्थ की बात करें ना, यहाँ पर आपको अच्छा खासा डेप्थ मिलने वाला है। आई नो देखने में ये बैकपैक थोड़ा सा छोटू सा लग रहा होगा, लेकिन ये 24 लीटर का बैकपैक है। अंदर में आपको डिसेंट पैडिंग वाला एक लैपटॉप स्लीव देखने को मिल जाएगा, जहां पर एक तो स्ट्रैप मिसिंग है, साथ ही जब हम टेस्ट कर रहे थे हमने यहाँ पर लैपटॉप डाला, मेरा मैकबुक प्रो एकदम फिटेड आ रहा था, यानी 13 इंच का लैपटॉप यहाँ पर घुसेगा। और ये ऑनेस्ट वर्ड इसलिए आपके दिमाग में घुसते हैं क्योंकि आप मेरे भाई हो। अंदर में आपको अजीले की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साइड साइड में आपको छोटे छोटे पॉकेट देखने को मिल जाएगा, दोनों साइड में आपको बोतल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी वही बकल वाली डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल की पैडिंग के साथ स्ट्रैप्स आते हैं, और अजीब बात फिर से क्या है, यहाँ पर कौन ऐसे ब्लॉक देता भाई। बैक में आपको पूरा मैश का काम देखने को मिल जाएगा, एंड ओवरऑल बैकपैक बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन छोटा है। सिंपल सी बात यही कि अगर आप देखो कॉलेज जाते हो, आजकल लोग इतना मोटा अकाउंट्स का बुक, ये बुक वो बुक लेकर नहीं घूमते। सिंपल चीजें अगर आपको कैरी करनी है, थोड़ी मोड़ी चीजें, एक स्टाइलिश बैकपैक चाहिए, इसके लिए जा सकती हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता, ये कुछ ज्यादा ही प्राइस ना मांग रहे हैं, 2000 रुपए इसकी प्राइसिंग है। लेकिन अगर आपको चाहिए आपका फेवरेट बैकपैक यहाँ पर अनबॉक्स हो, बस आपको कमेंट करना है और हम आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि यह चैनल ऑडियंस का नहीं बल्कि भाई भाई का रिश्ता है। साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि सबसे बेस्ट बैकपैक आपको कौन सा लगा, और ये जो बैकपैक मैंने टांग रखी है ना भाई, ये सबसे सस्ता बैकपैक है लेकिन यूजफुल भी है। एक बार प्राइस चेक करना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डोंट वरी, वीडियो अच्छा लगा लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।